हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइस, हमारे कंप्यूटर में हमारी जो सी ड्राइव है वो अगर फुल रहती है तो हम अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। ऐसा भी कई बार होता है कि हमारा सिस्टम लैग कर रहा होता है, या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तब हमें सी ड्राइव फुल बता रहा है, हम कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं तब हमें सी ड्राइव फुल बता रहा है, कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो सी ड्राइव फुल बता रहा है, कोई गेम रन कर रहे हैं तो सी ड्राइव फुल बता रहा है। यानी कि अगर सी ड्राइव फुल है तो हम अपना कोई भी टास्क प्रॉपर नहीं कर सकते। ऐसे में हम अपनी सी ड्राइव क्लीन कैसे करें, उसको खाली कैसे कर सकते हैं और खाली कैसे रख सकते हैं। अक्सर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, गेम यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी जो टेम्प्ररी फाइल्स हैं, उनकी जो सिस्टम फाइल्स हैं, वो कहाँ सेव हो रही हैं हमें पता नहीं रहता और कई बार तो हम भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए विंडोज 10 और 11 आपको एक सॉल्यूशन देता है जिसकी मदद से आप एक जगह पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स कहाँ कहाँ पर स्टोर्ड हैं। तो वही चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे मेरी जो ड्राइव फुल हुई पड़ी है इस वक्त सी ड्राइव, उसको मैं कैसे क्लीन करूँगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा उसकी मदद से आप ये अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स किस किस जगह पर हैं और कितना स्पेस कंज्यूम कर रही हैं, जिसकी मदद से आपको अलग अलग जगह पर अपनी सी ड्राइव में अलग अलग फोल्डर में जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूँ। आपको एक सिंगल ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम में और देखते हैं कैसे करेंगे क्लीन अपने सी ड्राइव की स्पेस को। तो गाइस, ये जो डेमो है वो मैं आपको विंडोज 11 में दिखा रहा हूँ। विंडोज 10 में भी लगभग सेम ही स्टेप्स रहेंगे और आपको सेम ही तरीका आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी यहाँ पर सी ड्राइव दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो कहेंगे कि निखिल सर, आपने तो पूरा सिस्टम ही फुल कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर डेमो के लिए जरूरी है फुल होना और आपको सही तरीके से दिखाना। तो मैं बात करें अपनी सिस्टम ड्राइव की, यानी कि सी ड्राइव की, ठीक है। इस पर विंडो भी बनी हुई है, दैट मीन कि मेरी सी ड्राइव सिस्टम ड्राइव है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लाल हुई पड़ी है, फुल हुई पड़ी है। 118 GB का पार्टीशन था और उसमें से सिर्फ 9 GB ही स्पेस खाली पड़ा है। तो विंडोज आपको यहाँ पे एक फीचर देती है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट सी ड्राइव की कौन कौन सी चीज़ें आपको क्लीन करनी चाहिए आप उनको देखकर क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन सेटिंग बटन पे जाएंगे, ठीक है। सेटिंग बटन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो सिस्टम टैब आ रहा है, आपको विंडोज 10 में यहाँ पे बटन्स मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको सिस्टम बटन मिलेगा, ठीक है। तो सिस्टम टैब में ही आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सिस्टम की स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन हम देखने वाले हैं। स्टोरेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम, देन स्टोरेज, और सिस्टम की जो स्टोरेज है यानी कि सिस्टम ड्राइव जो है वो आपकी लोकल डिस्क सी है, जिसका पूरा स्पेस है 118 GB, ठीक है। यहाँ पर पूरी यहाँ पे आपको शो कर रहा है 108 GB यूज़ कर रखी है, यानी कि 118 GB में से 108 GB यूज़ कर रखी है और 9.83 GB ही फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पे शो मोर कैटेगरीज भी आ रहा है, यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छे से देखते हैं शो मोर कैटेगरीज में, आप देख सकते हैं ऐप एंड फीचर्स ने 55.1 GB यहाँ पर स्पेस कंज्यूम कर रखा है, ठीक है। बात करते हैं सिस्टम एंड रिजर्व की, ठीक है, जो कि सिस्टम फाइल्स होती हैं वो 38.7 GB है। टेम्प्रेरी फाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी फाइल्स ने 6.42 GB यहाँ पे कवर कर रखा है, यानी कि 6.42 GB स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है सी ड्राइव में। तो चलिए इसमें चलते हैं। इसमें चलने के बाद कहाँ कहाँ पर आपके कौन कौन से फोल्डर में, जो कि टेम्प्रेरी फाइल्स के फोल्डर हैं, कितना कितना डेटा यहाँ पर है आप देख सकते हैं। तो डाउनलोड फोल्डर में 6.25 GB है, ठीक है। तो आप अपना डाउनलोड फोल्डर चेक करेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है उसमें तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है, मुझे ये क्लीन करना है, ठीक है। विंडोज अपडेट क्लीन अप 4.50 GB, इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स 219 MB, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस डिलीवर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ स्पेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से वो चीज़ें चूज करनी है जिनको आपको क्लीन करना है, ठीक है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। टेम्प्रेरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। रिसाइकल बिन में भी कुछ नहीं है मेरा इंपॉर्टेंट, तो जस्ट आपको ये चीज़ें यहाँ से टिक करनी है, ठीक है। टिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे ऊपर आपके पास रिमूव फाइल्स का एक बटन आ रहा है, आप जस्ट रिमूव फाइल्स पे इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक बार वार्निंग और शो कर रहा है, द सिलेक्टेड फाइल्स एंड देयर डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड। तो आपने चेक कर लिया है डाउनलोड फोल्डर में कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, देन आप टेम्प्रेरी फाइल्स बाकी की डिलीट करना ही चाहते हैं तो कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज अपडेट क्लीन अप यहाँ पे शुरू हो गया, यानी कि ये क्या काम करेगा, आपकी ये सभी फाइल्स जो भरी हुई थी, जो इजीली डिलीट हो सकती है, उनको डिलीट करेगा और आपकी सी ड्राइव को फ्री करेगा। तो चलिए वेट करते हैं
करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ से क्लीन हो चुकी हैं। टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लीन नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एक बार बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्प्रेरी फाइल्स काफ़ी हद तक हमने क्लीन कर ली है, ठीक है। अदर्स में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से लोड हो रहा है, कितना स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है किस किस फीचर ने। तो यहाँ पे अदर में हम चलते हैं, ठीक है। अदर्स में वो सभी फोल्डर हैं, लाइक आप जिन एप्लीकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो फोल्डर हैं जिनमें वो फाइल्स हैं उनको आप क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रेडल की फाइल है, यानी कि ये एंड्रॉयड स्टूडियो की यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। पाइचाम प्रोजेक्ट्स जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अब हम इनको काम में नहीं ले रहे हैं, हम बना चुके थे जो भी बनाना था। तो हमने यहाँ पे इस फोल्डर में गए, सारे यहाँ पे फोल्डर जितनी भी फाइल्स थी उनको सेलेक्ट किया और 1 GB और फ्री यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है। देन और भी फोल्डर हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पर सी नैम को, यानी कि ये गेम है FFMPG, ठीक है। इनमें से मतलब आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या डिलीट करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, आपकी चॉइस है। यानी कि आपके पास एक कंप्लीट एक सिंगल स्पेस मिल जाता है, आपको सिंगल एरिया मिल जाता है जहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है। तो और तो मुझे एज सच ज़्यादा कोई खास यहाँ पे स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ग्रीडल की जो फाइल है वो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उनको मैं डिलीट नहीं करना चाहता, और FFMPG को भी मैं डिलीट नहीं करना चाहता। बाकी जो फाइल्स हैं वो मेरे काम की हैं इसलिए मैं उनको डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। पीछे आते हैं और देन अदर फिर से लोड होगा यहाँ पर, और जो ज़्यादा साइज़ है वो सबसे ऊपर रहेगा, जो कम साइज़ है वो सबसे नीचे रहेगा। यहाँ पे अदर के बाद हम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर हमारा ओपन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2.22 GB का जो स्पेस है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में भी मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं इसलिए मैं इसको क्लीन नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अदर पीपल में देखते हैं। अदर पीपल में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिस्टम के अदर यूज़र्स हैं उन्होंने कितनी फाइल्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं। तो आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप पर भी आपने कितना डेटा रख रखा है वो आपको शो कर रहा है। टेम्प्रेरी हम क्लीन कर ही चुके हैं। पिक्चर फोल्डर, वीडियो फोल्डर और मेल्स में आपने कितना डेटा यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं ऊपर ऐप एंड फीचर्स की। ऐप एंड फीचर्स में आप जाएंगे तो जितनी ऐप्स और सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। यानी कि यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे जो आपके सॉफ्टवेयर काम का नहीं है उसे आप यहां से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं सिस्टम एंड रिजर्व की। इसमें से आप कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका रिजर्व्ड स्टोरेज है और सिस्टम फाइल्स हैं, ठीक है। ये आपके सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट यहां पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने हाइबरनेशन अनेबल कर रखा है तो वो आपके सिस्टम में इतना स्पेस लेगा ही लेगा, जिससे कि आप सेम स्टेट में अपना सिस्टम ऑन कर पाते हैं। तो हाइबरनेशन को आप ऑफ कर देंगे तो ये जो स्पेस है वो आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे केस में 6.37 GB यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, आपके केस में आपकी रैम जितनी होगी उसके प्रोपोर्शनल में यहाँ पे स्पेस कंज्यूम करेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी भी आपके सिस्टम में, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे मैनुअल क्रिएट कर रखी है इसलिए मुझे यहाँ पे 3.01 GB बता रहा है। आपके केस में हो सकता है कमियाँ ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये सिस्टम फाइल्स थी, इनमें से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ये आपकी मैनुअल सेटिंग पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास वो एरिया है जहाँ से आप ये सब मैनेज कर पाते हैं। अब आप वापस जाके एक बार फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अब मेरे पास जो स्टेटस आ रहा है वो 17.9 GB फ्री आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम चलते हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं काफ़ी, यानी कि लगभग 7-8 GB के समथिंग मैंने यहाँ पे स्पेस फ्री कर लिया है। तो गाइज, मुझे आशा है कि इस वीडियो की जो जानकारी थी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अपनी सी ड्राइव को क्लीन रखना, उसमें प्रॉपर स्पेस रखना, और जो चीज़ आपके लिए काम की नहीं है, जो फाइल्स आपके काम की नहीं है, आप उनको आसानी से डिलीट कर सकते हैं सीधा उस फाइल पर अटैक करके। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।